राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में आज 200 विधानसभा की सीटों में से 199 विधानसभा की सीटों पर मतदान खत्म हो चुका है। चुनाव समाप्त होने के बाद में राजस्थान की 199 विधानसभा की सीटों का पहला रुझान जारी हो चुका है। कौन कहां जीत रहा है, किस पार्टी को कितनी सीटें दी जा रही है, अगर आप यह जानना चाहते हैं तो वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहे। साथियों, राजस्थान में इस चुनाव में 1863 प्रत्याशियों की किस्मत राजस्थान की जनता ने अगले 5 सालों के लिए ईवीएम मशीन में कैद कर दिए। राजस्थान में कई हॉट सीटें जहां पर कांटे की टक्कर भी देखी गई। राजस्थान चुनावों के दौरान कई जगहों पर ईवीएम मशीन में गड़बड़ी होने के कारण वहां पर मतदान भी लेट हुआ है और कई जगहों पर छिटपुट घटनाएं भी सामने आई और फायरिंग की भी खबरें लगातार सामने आ रही है। आखिर रुझानों में किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है, तमाम जिलों का वो रुझान हम आप लोगों के सामने रखने वाले है। साथियों, राजस्थान में इस बार कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में कांटे की टक्कर तो बताई जा रही है, लेकिन राजस्थान में हर 5 साल के बाद में पार्टी बदलने का ट्रेंड चल रहा है, यानी हर चुनाव में जनता विपक्षी पार्टी को मौका देती है। इस कारण से यहां पर कोई भी पार्टी लगातार 2 बार सरकार नहीं बना पाई है, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी को रिवाज कायम रखने की बात का लगातार दावे कर रही थी, तो कांग्रेस पार्टी ने इस रिवाज को बदलने के लिए पूरा जोर लगाया है। अब रिवाज कायम रह पाएगा या फिर राज बदलेगा, यह तो 3 दिसंबर के जब चुनावी परिणाम सामने आएंगे तब पता चलने वाला है। फिलहाल राजस्थान के कुछ हॉट सीटें भी है जिन्हें वीआईपी सीट भी कहा जा रहा है। यहां पर राज्य के कई बड़े चेहरे चुनावी मैदान में थे। हम साथियों आपको बता देते हैं, सरदारपुरा, झालारापाटन, टोंक, तारानगर, आमेर जैसी और भी कई सीटें हैं जहां पर कांटे की टक्कर बताई जा रही है। आखिर रुझानों में किस पार्टी को कितनी सीटें दी जा रही है, आइए शुरू करते हैं तमाम जिलों के वो रुझानों को। तो बने रहे वीडियो के आखिर तक, और पहली बार चैनल पर विजिट किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। आप राजस्थान के कौन से जिले से वीडियो देख रहे हैं, आप अपने जिले का नाम कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर दें। साथियों, शुरुआत करते हैं राजस्थान के दौसा जिले से, जहां पर मतदान खत्म होने के बाद में पहले रुझान में 5 सीटों में से यहां की कांग्रेस पार्टी को 3 जबकि भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2 विधानसभा की सीटें दी जा रही है। बात कर लेते टोंक जिले की, जहां पर 4 विधानसभा की सीटें है। राजस्थान में मतदान खत्म हो चुका है, कांग्रेस पार्टी को यहां पर 3 जबकि भारतीय जनता पार्टी के खाते में रुझानों में 1 सीट दी जा रही है। 200 सीटों वाले राजस्थान में 199 सीटों पर मतदान हुआ है। बूंदी जिले में 3 सीटों में से रुझानों में कांग्रेस पार्टी को 2 जबकि भारतीय जनता पार्टी के खाते में इस बार 1 विधानसभा की सीट दी जा रही है। अगला जिला हमारे सामने आ चुका अजमेर, जहां पर मतदान खत्म होने के बाद में यहां पर बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। यहां की कुल 8 सीटों में से कांग्रेस पार्टी को 3, भाजपा को 5 विधानसभा की सीटों पर जीत दर्ज होती हुई बताई जा रही है। बात कर लेते पाली डिस्ट्रिक्ट की, जहां पर चुनावों की समाप्ति के बाद 6 सीटों में से कांग्रेस पार्टी को 2 जबकि भाजपा को 4 सीटें मिल रही है। कुल 200 सीटों में से भाजपा का आंकड़ा 13 जबकि कांग्रेस पार्टी को भी 13 सीटें अब तक मिल चुकी है। जोधपुर जिले की बात कर ली जाए तो मतदान खत्म होने के बाद में 10 सीटों में से कांग्रेस पार्टी को 5, भारतीय जनता पार्टी को 4, 1 सीट अदर के खाते में दी जा रही है। अगला जिला साथियों हमारे सामने आ चुका नागौर, जहां पर 10 विधानसभा की सीटें है। मतदान खत्म होने के बाद में यहां पर जो रुझान जारी हुआ है, यहां पर बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी को 4, भारतीय जनता पार्टी को 5, अदर के खाते में मात्र 1 विधानसभा की सीट जा रही है। हनुमानगढ़ जिले की बात ली जाए तो यहां पर 5 सीटें कांग्रेस पार्टी को 3, भाजपा को 2। कुल 200 सीटों में से राजस्थान में 199 सीटों पर मतदान हो चुका है। भाजपा को 24, कांग्रेस को 25, 2 सीटें अदर को जा चुकी है। राजसमंद की बात कर ली जाए तो यहां पर 4 विधानसभा की सीटें हैं। चुनावों की समाप्ति के बाद पहले रुझान में 2 सीटों पर कांग्रेस तो 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी को इस बार जीतती हुई बताई जा रही है। अगला जिला हमारे सामने आ चुका भीलवाड़ा, जहां पर 7 विधानसभा की सीटें हैं। राजस्थान में एक ही चरण में 199 सीटों पर मतदान होने के बाद में पहले रुझान में कांग्रेस पार्टी को 5, भारतीय जनता पार्टी को 2 विधानसभा की सीटें दी जा रही है। डिस्ट्रिक्ट की कर ली जाए तो यहां पर 6 विधानसभा की सीटें है। यहां पर भी इस बार बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी को 4, भारतीय जनता पार्टी को यहां पर 2 विधानसभा की सीटें दी जा रही है। अगला जिला हमारे सामने आ चुका झुंझुनू, जहां पर मतदान की समाप्ति के बाद पहले रुझान में 7 सीटों में से कांग्रेस को 4, भाजपा को 1 सीट मिल चुकी है। कुल 200 सीटों में से भाजपा का आंकड़ा 33, कांग्रेस पार्टी 40, 2 सीटें अदर के खाते में जा चुकी है। सीकर की बात कर ली जाए तो यहां पर कुल 8 विधानसभा की सीटें है। 8 सीटों में से
चुनावों की समाप्ति के बाद पहले रुझान में 4 पर कांग्रेस, 4 सीटें भाजपा के खाते में जा रही है। अलवर में 11 विधानसभा की सीटें मतदान खत्म होने के बाद में कांग्रेस पार्टी को 6, भाजपा को 4, एक सीट अदर को रुझानों में दी जा रही है। कुल 200 सीटों में से भाजपा का आंकड़ा 41, कांग्रेस पार्टी 49, 2 सीटें अदर के खाते में जा रही है। भरतपुर डिस्ट्रिक्ट की बात कर ली जाए तो यहाँ पर 7 विधानसभा की सीटें, 7 में से कांग्रेस पार्टी को 4, भारतीय जनता पार्टी को 3, जबकि अदर के खाते में 1 भी सीट नहीं दी जा रही है। धौलपुर में कुल 4 विधानसभा की सीटें, यहां पर कांग्रेस और भाजपा में सीधी टक्कर हुई ऐसा रुझानों में बताया जा रहा है। 2 सीटें कांग्रेस पार्टी को, 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दी जा रही है। बात अगर करौली डिस्ट्रिक्ट की कर ली जाए तो यहां पर 3 सीटों में से 2 पर कांग्रेस, 1 पर भाजपा। कुल 200 सीटों में से अब तक भारतीय जनता पार्टी को 47 सीटें मिल चुकी है, कांग्रेस पार्टी को 58, 2 सीटें अदर के खाते में जा रही है। जयपुर में सबसे ज्यादा 19 सीटें, इस बार यहां पर भी बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। भाजपा पहले नंबर पर 11 सीटों पर अपना कब्जा जमा रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी को 7, 1 सीट अदर के खाते में जा रही है। सवाई माधोपुर में 3 विधानसभा की सीटें, कांग्रेस पार्टी को 2, भाजपा को 1। कुल 199 सीटों पर मतदान हो चुका है, भाजपा को 59 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 68, 3 सीटें अदर को रुझानों में दी जा रही है। बारा जिले की बात कर ली जाए तो यहां पर 4 विधानसभा की सीटें और यहां पर भाजपा और कांग्रेस में सीधी टक्कर हुई ऐसा रुझानों में बताया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी को 2, भारतीय जनता पार्टी को भी 2 सीटें दी जा रही है। कोटा में 4 विधानसभा की सीटें, यहां पर भी सीधी टक्कर कांग्रेस और भाजपा में बताई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी को अब तक कुल 63 सीटें मिल चुकी है, कांग्रेस पार्टी को 74 और यहां पर अदर के खाते में 3 सीटें दी जा रही है। चित्तौड़गढ़ की बात कर ली जाए तो यहां पर कुल 5 विधानसभा की सीटें, कांग्रेस पार्टी को 2, भारतीय जनता पार्टी पर पहले नंबर पर 3 सीटों पर कब्जा जमा रही है। कुल भाजपा का आंकड़ा 66, कांग्रेस पार्टी 76, 3 सीटें अदर। झालावाड़ में 4 विधानसभा की सीटें और झालावाड़ में इस बार कांग्रेस और बीजेपी में सीधी टक्कर बताई जा रही है। ऐसे में रुझान जो जारी हुआ है इसमें कांग्रेस पार्टी को 2, भारतीय जनता पार्टी के खाते में भी 2 विधानसभा की सीटें दी जा रही है। प्रतापगढ़ में कुल 2 विधानसभा की सीटें, यहां पर भी कांटे की टक्कर भाजपा और कांग्रेस में हुई ऐसा बताया जा रहा है। एक सीट कांग्रेस को जा रही है, एक सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में दी जा रही है। अगला जिला राजस्थान का हमारे सामने आ चुका बांसवाड़ा, 5 विधानसभा की सीटें, कांग्रेस पार्टी को 2, भारतीय जनता पार्टी को 3। कुल 200 सीटों में से भाजपा 72, कांग्रेस पार्टी पहले नंबर पर 81 सीटों पर कब्जा जमा चुकी है, अदर के खाते में 3 सीटें जा चुकी है। डूंगरपुर की बात कर ली जाए तो यहां पर 4 विधानसभा की सीटें, कांग्रेस पार्टी यहां पर पहले नंबर पर 3 सीटों पर जीत दर्ज कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 सीट दी जा रही, क्योंकि डूंगरपुर कांग्रेस का सबसे बड़ा गढ़ बताया जा रहा है। उदयपुर की बात कर ली जाए तो यहां पर कुल 8 विधानसभा की सीटें, मतदान खत्म होने के बाद पहले रुझान में कांग्रेस पार्टी को 3, भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें दी जा रही है। राजस्थान का अगला जिला हमारे सामने सिरोही आ चुका है, जहां पर 3 विधानसभा की सीटें, मतदान खत्म होने के बाद में कांग्रेस पार्टी को 1, भाजपा को 2 सीटें दी जा रही है। कुल 200 सीटों में से भाजपा का आंकड़ा पहुंचा 80 सीट, कांग्रेस पार्टी पहले नंबर पर 88 सीटों पर कब्जा जमा चुकी है। जालौर में 5 विधानसभा की सीटें, 5 में से भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें दी जा रही है, कांग्रेस पार्टी को 2 विधानसभा की सीटें मिल रही है। कुल भाजपा का आंकड़ा 83, कांग्रेस पार्टी अभी भी पहले नंबर पर 90 विधानसभा पर सीटों पर कब्जा जमा चुकी है। बाड़मेर, जहां पर इस बार बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है, 7 सीटों में से कांग्रेस पार्टी 4, भारतीय जनता पार्टी को 2, 1 सीट निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में यहां पर जाती बताई जा रही है। जैसलमेर की बात कर ली जाए तो यहां पर जैसलमेर में इस बार रुझानों में बड़ा उलटफेर बताया जा रहा है। यहां की कुल दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो चुका है, भाजपा का आंकड़ा 87 सीट, कांग्रेस पार्टी 94 सीटों पर कब्जा जमा चुकी है। बीकानेर की बात कर ली जाए तो यहां पर 7 विधानसभा की सीटें, जो पहला रुझान जारी हुआ है, इस रुझान में कांग्रेस पार्टी को 4, भाजपा को 2, सीट अदर के खाते में दी जा रही है। साथियों लास्ट में अगला जिला हमारे सामने आ चुका गंगानगर, यहां पर कुल 6 सीटों में से 5 सीटों पर मतदान हुआ है, कांग्रेस पार्टी को 3, भाजपा को 2। कुल 200 सीटों में से भाजपा का आंकड़ा 92 सीट, कांग्रेस पार्टी 101 सीटों पर और 6 सीटें अदर के खाते में दी जा रही है। साथियों राजस्थान के कुल 200 सीटों में से 199 सीटों पर मतदान हुआ है, क्योंकि एक उम्मीदवार की मौत होने के बाद में, क्योंकि एक सीट पर मतदान नहीं हुआ है। कुल 200 सीटों में से भाजपा का आंकड़ा 92 सीट, कांग्रेस पार्टी 101 अदर के खाते में 6 सीट रुझानों में बताई जा रही है।